हेलो गाइस, जो चलिए आज बात करते हैं आपके एमएस इंस्टीट्यूट यानी महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट के बारे में। राइट, हम इस वीडियो में पूरा कॉलेज रिव्यू करेंगे, बात करेंगे आपके फीस स्ट्रक्चर के बारे में, कोर्सेज के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, उसके अलावा कैंपस में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो पूरा यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे एमएस के बारे में। राइट, तो अगर आप एमएस में एडमिशन लेना चाहते हो, आप इस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, तो ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। राइट, और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज के बारे में, जो कि आपका 1999 में दिल्ली जनकपुरी में एस्टैब्लिश हुआ था। ये एक प्राइवेट कॉलेज है और आपका आईपीयू से एफिलिएटेड है, यानी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से आपका एफिलिएटेड है कॉलेज। ज्यादा बड़ा कैंपस नहीं है, बट अगर आप बीबीए बीकॉम जैसे आप कोर्सेज को टारगेट कर रहे हो, तो ये कॉलेज आपके लिए काफी सही हो सकता है। राइट, पूरा 8 एकड़ में पूरा कॉलेज है। सो अगर आप भी बीबीए बीकॉम जैसे कोर्सेज को टारगेट कर रहे हो, आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आज से ही आप हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हो। हम आपकी पूरी प्रॉपर प्रिपरेशन भी करवाते हैं। राइट, अगर आप आईपीयू को टारगेट कर रहे हो, उससे एफिलिएटेड कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो, उसके अलावा क्राइस्ट, सिम्बायसिस, नारसमुंजी, डीयू जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज को आप टारगेट कर रहे हो, आप सीयूटी, आईपीएम, बीबीए, बीएमए जैसे कोर्सेज को टारगेट कर रहे हो, तो आज से ही आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हो। राइट, आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, इस पर सिर्फ हेलो सेंड करना है और कोर्स की जितनी भी डिटेल्स हैं सभी आपको शेयर कर दी जाएंगी। साथ में आपको डेमो वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको डेमो वीडियोस अच्छी लगती है तो आप भी हमारे साथ इनरोल कर सकते हो। राइट, और चलिए अब बात करते हैं कॉलेज के बारे में और बात करते हैं कोर्स और फीस स्ट्रक्चर के बारे में। सो अगर आप बीसीए करना चाहते हो, बीबीए करना चाहते हो, बीएड या बीकॉम आप करना चाहते हो, तो ये कॉलेज आपके लिए काफी सही हो सकता है। राइट, बेसिकली 4 कोर्सेज ही कॉलेज आपको देता है। अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो बीसीए की जो फीस है वो है आपकी 2.59 लाख टोटल फीस। अगर हम बात करें पर ईयर की, तो करीब आपकी 88,000 या 90,000 आपकी एक साल की फीस है। उसके अलावा अगर आप बीबीए करना चाहते हो तो 2.64 लाख है। अगर आप बीएड करना चाहते हो तो 1.52 लाख है। अगर आप बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स आप करना चाहते हो तो 2.51 लाख आपकी टोटल फीस है बीकॉम की। राइट, इसके बाद अगर हम बात करें आपके यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस बेस की तैयारी करनी होगी। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हम आपकी पूरी प्रिपरेशन करवा देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबसे पहले फिल करना होगा, उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद आपका एंट्रेंस होगा सीईटी जिसे हम बोलते हैं, उसके बाद आपकी रैंक आएगी। रैंक के बाद आपको प्रेफरेंस वगैरह चूज करनी होगी कि आपको कौन सा कॉलेज में एडमिशन चाहिए, फिर आपको सीट अलॉट होगी और फिर आपका फाइनल एडमिशन होगा। तो इस तरह का पूरा प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद बात करें कि आपको कैंपस में क्या क्या देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आता है कंप्यूटर लैब, तो करीब आपको 9 कंप्यूटर लैब यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आपके हर कंप्यूटर लैब में करीब 30 कंप्यूटर होंगे। राइट, उसके अलावा एलसीडी प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा ग्राफिकल कॉन्टेंट के लिए, तो काफी अच्छी आपको कंप्यूटर लैब यहाँ पे मिल जाती है। उसके अलावा बात आती है लाइब्रेरी की, जिसका नाम है महाराजा सूरजमल सेंट्रल लाइब्रेरी। राइट, यहाँ पे आपको फुली एसी लाइब्रेरी मिलेगी, वाईफाई मिल जाएगा, बैंक बुक मिल जाएगा, फुली कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी है, एक्सेस मिल जाता है आपको ऑनलाइन ई जर्नल्स का, सब्जेक्ट नोट्स का, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का, तो काफी कुछ आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाता है। राइट, काफी अच्छी यहाँ पे लाइब्रेरी आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे हॉस्टल की, जिसका नाम है राजा महेंद्र प्रताप हॉस्टल, आप यहाँ भी देख सकते हो, ये हॉस्टल की फोटो है। अगर हम बात करें हॉस्टल की, तो यहाँ पे करीब आपको 118 रूम मिल जाते हैं, जहाँ पे आप गर्ल्स और बॉयज सेपरेटली रह सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए 230 स्टूडेंट्स का पूरा यहाँ पे बेडिंग है, तो यहाँ पे आप रह सकते हो। अगर आप घर से बाहर रहते हो, आप हॉस्टल में रहना चाहते हो, तो हॉस्टल की फैसिलिटीज भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। राइट, हॉस्टल में आपको कॉमन रूम मिल जाता है, उसके अलावा यहाँ पे इंडोर गेम आपको मिल जाते हैं हॉस्टल में, तो काफी अच्छा आपको हॉस्टल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करें अगर हम ऑडिटोरियम की, तो काफी अच्छा ऑडिटोरियम आपको देखने को मिल जाता है, करीब 500% सीटिंग कैपेसिटी के साथ आपको ऑडिटोरियम मिल जाएगा, एलसीडी प्रोजेक्टर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आपको, तो काफी अच्छा ऑडिटोरियम है। उसके अलावा बात करते हैं हम यहाँ पे प्लेग्राउंड की, तो करीब 3 एकड़ में आपका लश ग्रीन प्लेग्राउंड है, जहाँ पे आप काफी सारे गेम्स कर सकते हो, लाइक आप क्रिकेट खेल सकते हो, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, और भी काफी सारे गेम आप यहाँ पे कर सकते हो। राइट, उसके अलावा अगर आप इंडोर गेम करना चाहते हो, तो आप टेबल टेनिस कर सकते हो, चेस खेल सकते हो, कैरम खेल सकते हो, तो काफी सारे गेम्स के ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको कैंटीन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। राइट, इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लेसमेंट की, क्योंकि आप किसी भी कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेते हो, तो सबसे मेन पॉइंट होता है प्लेसमेंट का। राइट, तो प्लेसमेंट की बात करें, तो यहाँ पे प्लेसमेंट देख सकते हो यार, हाईएस्ट जो प्लेसमेंट थी लास्ट ईयर की, वो थी आपकी 27 LPA, जो कि आपको दी थी जुपिटर लैब होल्डिंग लिमिटेड यूएसए ने। राइट, उसके अलावा 21.5 LPA का था, उसके अलावा 8 LPA का था। तो ये प्लेसमेंट आप यहाँ से देख सकते हो, जो कि मैंने ऑफिशियल साइट से ही निकाली है।
प्लेसमेंट, ये लास्ट ईयर की प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट आपको काफी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, तो अगर आप भी एमएस को टारगेट कर रहे हो, इसमें एडमिशन लेना चाहते हो, अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आज से ही आप हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। राइट, आपको सिर्फ हेलो सेंड करना है व्हाट्सएप पर, और कोर्स की जितनी भी डिटेल्स हैं सभी आपको शेयर कर दी जाएंगी, साथ में आपको डेमो वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको डेमो वीडियोस अच्छी लगती है तो आप भी हमारे साथ एनरोल कर सकते हो। वीडियोस आए लेक्चर आपको मिल जाएंगे कोर्स में, बेसिक से लेकर एडवांस तक के टॉपिक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे सभी, एंट्रेंस एग्जाम के डाउट सॉल्विंग टीम आपको मिल जाएगी, ई बुक्स मिल जाएंगे जीके वर्बल एंड एलआईडी क्वांट्स की, और स्टडी का पूरा प्लान आपको मिल जाता है। राइट, तो इस तरह से आप सही से अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हो। राइट, सो अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।